नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अनिंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली भाजपा के नेता तजिंदर बग्गा को हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है और दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर के दिल्ली पहुंच चुकी है। आपको पता ही है, आज सुबह बग्गा को पंजाब पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया था। लेकिन दोस्तों, ये सब कैसे हुआ, किसकी साजिश चल गई, कैसे बग्गा को इस साजिश से निकाला गया, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। बग्गा की अरेस्टिंग की कहानी बेहद दिलचस्प है। पंजाब पुलिस पूरा होमवर्क करके आई थी, लेकिन उसने होमवर्क गलत किया हुआ था। दरअसल बीजेपी नेता तेजेंद्र बग्गा की गिरफ्तारी से लेकर के किडनैपिंग मामले को लेकर के पंजाब, दिल्ली, हरियाणा विवाद को मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ। जैसे ही तेजेंद्र बग्गा को दिल्ली स्थित उनके घर से अरेस्ट किया और पंजाब पुलिस उनको लेकर के जा रही थी, उसकी सूचना मिलते ही पंजाब पुलिस की गाड़ी को हरियाणा पुलिस ने रोक लिया। हरियाणा पुलिस के रोकने के बाद पंजाब पुलिस ने ये दावा किया कि उन्हें अवैध तरीके से रोका गया है। इसके खिलाफ पंजाब सरकार अब हाईकोर्ट भी पहुंच चुकी है। लेकिन तेजेंद्र के पिता ने पंजाब पुलिस की गिरफ्तारी को किडनैपिंग बताया है और इसी को लेकर के उन्होंने जनकपुरी थाने में पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अरेस्टिंग हुई है, लेकिन उनके पिता कह रहे हैं कि उनका अपहरण हुआ है, लिहाजा उनके पिता की बात को मानते हुए दिल्ली पुलिस ने हरियाणा में पहुँचते पहुँचते उनकी गाड़ी को रोक लिया और हरियाणा पुलिस ने उनको दिल्ली पुलिस के हवाले किया। इसलिए हरियाणा सरकार ने कहा है कि तेजेंद्र बग्गा को अब दिल्ली पुलिस को ही सौंपा जाएगा। इसे लेकर के पंजाब, दिल्ली के साथ हरियाणा में काफ़ी सियासी और प्रशासनिक मामला जो है गरमाया हुआ है। वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस भी अपहरण के मामले की जांच करते हुए कार्रवाई करने की तैयारी में है। तेजेंद्र बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए 50 पुलिसकर्मी आए थे। ये पुलिसकर्मी 12 गाड़ियों में सवार होकर आए थे। इनमें से पहले कुछ पुलिस वाले घर में घुसते हैं, कुछ देर तक बातचीत करते हैं, इसके बाद भारी संख्या में पुलिस वाले घर में घुस जाते हैं और तेजेंद्र बग्गा को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। यही नहीं, बग्गा का मोबाइल भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना को अपनी आंखों से देख रहे थे उनके पिता। जाहिर सी बात है, उनके पिता ने, जिनका नाम प्रीतपाल सिंह है, उन्होंने पूरी बात, पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा और दिल्ली पुलिस को यह बताया कि पंजाब पुलिस ने तो हद ही पार कर दी, उनके बेटे तेजेंद्र को पगड़ी तक नहीं पहनने दी और जब उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो उनको रोक दिया गया। इसके बाद उनको दूसरे कमरे में ले जाते हैं पुलिस वाले, पंजाब पुलिस वाले, और उनकी बुजुर्गियत का भी लिहाज नहीं रखते, उनके मुंह के ऊपर पंच मारते हैं। यही नहीं, पंजाब पुलिस ने उनके साथ काफ़ी बदतमीजी करी। पूरा मामला अपहरण का है और वो ये उनके पिता कह रहे हैं कि उनके बेटे को पंजाब पुलिस फंसाना चाहती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मामला आखिर क्यों आज इतनी सुर्खियां बटोर रहा है। असल में ये मामला फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर के है। जिन दिनों इस फिल्म की लॉन्चिंग हुई थी और दिल्ली विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर के एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात है तो इसे यूट्यूब पे ही अपलोड कर देना चाहिए। उसके बाद तेजेंद्र बग्गा ने कश्मीर फाइल्स को लेकर के सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर के पंजाब पुलिस ने तेजेंद्र बग्गा को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था। इस बारे में पंजाब पुलिस का ये कहना है कि तेजेंद्र बग्गा को 5 बार ऑन रिकॉर्ड नोटिस भेजे गए, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुए। हर बार वो जवाब देने के बजाय टालमटोल करते रहे। कोर्ट के आदेश के हिसाब से पंजाब पुलिस ने पहले बग्गा को नोटिस दिया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और
सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ये भी कह रही है कि उन्होंने इस बारे में दिल्ली पुलिस के SHO को भी जानकारी दी थी। उसी के बाद गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तेजेंद्र वग्या के घर में पहुंचती है। पंजाब पुलिस का ये दावा है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में भी इसकी सूचना दी थी और उनकी रिकॉर्डिंग भी उनके पास है। इसके अलावा उन्होंने पूरी गिरफ्तारी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। वैसे पंजाब पुलिस ने अपने फेवर में जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट थे सब पब्लिक कर दिए हैं। तो दोस्तों ये थी उनकी गिरफ्तारी की बात। कैसा लगा आपको ये कंटेंट, क्योंकि इसके पीछे कई सारी कहानियां छिपी हुई हैं बग्गा की गिरफ्तारी के पीछे। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बग्गा के बारे में और भी जानकारी देती रहूंगी, क्योंकि आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये तेजेंद्र सिंह बग्गा है कौन, क्यों उनकी अरेस्टिंग हुई, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ आपसे किसी और कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।